सतत विकास लक्ष्यों की 2030 तक समयबद्ध प्राप्ति में केवल 11 साल बचे होने के बावजूद संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों में से एक भी पूरी तरह से अपने कानूनों, नीतियों या सार्वजनिक बजट के फैसले को 2030 तक लैंगिक समानता के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए नहीं बदल पा रहे हैं। अरबों की संख्या में लड़कियों और महिलाओं के लिए लैंगिक समानता के वादों को पूरा करने में विश्व के साथ साथ भारत भी अभी तक निश्चित तौर पर विफल रहा है। वैश्विक स्त्री पुरुष समानता सूचकांक में भारत 129 देशों के इस सूचकांक में 95 स्थान पर है। अधिकतम 100 अंकों में से सतत विकास लक्ष्य के लैंगिक मानदंडों पर विभिन्न देशों के प्रदर्शन के मामले में भारत का स्कोर 56.2 रहा। यह सूचकांक गरीबी, स्वास्थ्य, शिक्षा, साक्षरता, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और कार्यस्थल पर समानता जैसे पहलुओं का भी आकलन करता है। सतत विकास लक्ष्य के लैंगिक सूचकांक को ब्रिटेन की इक्वल मेजर्स 2030 ने तैयार किया है। इस तरह से लैंगिक समानता सूचकांक की हालिया सूची में भारत, घाना, रवांडा और भूटान जैसे देशों से भी पीछे है। यह अफ्रीकन वीमेंस डेवलपमेंट एवं कम्युनिकेशन नेटवर्क, एशिया पैसिफिक रिसोर्स एंड रिसर्च सेंटर फॉर वीमेन, बिल एवं मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, इंटरनेशनल हेल्थ कोलिशन समेत क्षेत्रीय और वैश्विक संगठनों का एक संयुक्त प्रयास है। इस नए सूचकांक में 17 आधिकारिक सतत विकास लक्ष्यों में से 14 के 51 संकेतक शामिल हैं। सूचकांक में भारत दुनिया के 129 देशों में 95 पायदान पर है। भारत का सबसे ज्यादा स्कोर SDG के स्वास्थ्य के इंडिकेटर पर है। यह स्कोर 79.9 है। भूख एवं पोषण के इंडेक्स पर 76.2 और ऊर्जा क्षेत्र में 71.8 है। भारत का सबसे कम स्कोर भागीदारी क्षेत्र में यानी कि 18.3 है। उद्योग, बुनियादी ढांचा एवं नवोन्मेष के इंडिकेटर पर ये स्कोर 38.1 है और जलवायु के इंडिकेटर पर भारत का स्कोर 43.4 है। भारत एशिया और प्रशांत क्षेत्र में निचले पायदान पर है। एशिया और प्रशांत के 23 देशों में उसे 17वें स्थान पर रखा गया है। सूचकांक में पहले स्थान पर डेनमार्क और 129वें पायदान पर चाड है। चीन 74वें स्थान पर है जबकि पाकिस्तान 113वें स्थान पर। वहीं नेपाल 102 और बांग्लादेश 110वें पायदान पर हैं।